हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम एमसीक्यू की जो सीरीज हमारी चल रही थी वो सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज जो वीडियो में चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं उसका नाम आप सामने पढ़ रहे हो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आराम से जो सीरीज चल रही है उसको देखते हुए चलो, बहुत हेल्पफुल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको करवाए हैं, तो अब हम उस सीरीज में पहुंच गए हैं इस चैप्टर पे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे। ठीक है, हाँ, इस एमसीक्यू में उतरने से पहले आप थोड़े से फॉर्मुलेज वगैरह रिवाइज कर लेना, फॉर्मुलेज थोड़े से देख लेना, क्योंकि यहाँ पर तो सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, तो हो सकता है फॉर्मुलेज आपको जल्दी से समझना है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितना इजीली एक्सप्लेन कर सकूँ ताकि कोई फर्स्ट टाइम भी अगर कोई पढ़ रहा है उसको भी समझ आए। ठीक है, तो बातें बातें हो गई, पानी वानी पी लो, कंसंट्रेशन अपनी यहाँ रख लो, पेन कॉपी लेके बैठा करो, ये नहीं बस पिक्चर देख रहे हो, आदि पुरुष थोड़ी ना चल रही है यहाँ पर। सेकेंड, देखो मैंने भी पानी पी लिया, अब हम कूदते सीधे क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, बाकी ठीक हो ना तुम लोग, सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में? चलो ठीक है, बढ़िया चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन कहता है आपका, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज। तो एरिया दे रखा है, सर्कमफेरेंस पूछ रहा है। अब आपको दोनों के फॉर्मूले पता होने चाहिए, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है सर्कल के, 2 पाई आर। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये दे रखी है क्वेश्चन में, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38.5 सेंटीमीटर, नंबर लिख लेता हूँ 38.5, और हमें ये निकालना है 2 पाई आर। तो हमें 2 पाई आर निकालने के लिए हमें आर की वैल्यू तो चाहिए होगी, सर्कमफेरेंस निकालना है ना हमें, तो आर की वैल्यू चाहिए होगी, तो आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो बस निकाल लो, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 38.5, इधर जाके डिवाइड में पाई हो जाएगा, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 22 × 7, ये डेसिमल हटा जीरो लगा। अब आप देख लो इसको, जैसे जैसे कट रहा है काट दो, ये 11 टू जा 22 और ये जीरो, ये 11 थ्री जा 33 और बचा 5, तो 11 फाइव जा 55 और इंटू 7 तो चल ही रहा है, तो 35 × 7/20 आर स्क्वायर आ रहा है। इसको फर्दर सॉल्व करो, ऐसे हो गए 35 × 7/20 की वैल्यू आर स्क्वायर। हमें आर की वैल्यू चाहिए, ध्यान रखना, तभी तो हम 2 पाई आर निकाल पाएंगे। अब ध्यान से देखो आप, इसको जब फर्दर काटेंगे तो ये जाएगा 5 × 4 = 20, ये जाएगा 5 × 7 = 35, तो 7 का स्क्वायर और ये है 2 का स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड में आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/2। ये सब सॉल्व करना आता है, नॉर्मल मैथ चल रही है, तो आर की वैल्यू मिल गई हमें 7/2। अब इसमें डाल के हम सर्कमफेरेंस की वैल्यू निकाल देंगे बस, तो 2 × दूसरे कलर से निकाल देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, येलो कलर से आर मिल गया 7/2, अब इसमें डाल रहे हैं बस, तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 और आर भी हमने निकाला 7/2। बस अब सॉल्व कर दो, ये 7 से 7 गया, ये 2 से 2 गया, बच गया सिर्फ 22, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ठीक है, सिर्फ ये नॉर्मल मैथ्स काटा पीटी करिए और आपको ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए थे बस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज, सर्कमफेरेंस और रेडियस, सर्कल के रेडियस और सर्कमफेरेंस के डिफरेंस की वैल्यू दे रखी 37। तो सर्कमफेरेंस की क्या वैल्यू होती है 2 पाई आर फॉर्मूला, और रेडियस, इन दोनों में डिफरेंस है और इसकी वैल्यू है 37। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है बस वैसे वैसे मैंने कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है एरिया बताओ, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर के लिए हमें आर चाहिए, तो यहाँ से हम आर निकालेंगे, तो ये 2 पाई आर माइनस आर, यहाँ से पहले तो r कॉमन ले लो, तो r कॉमन में ले लिया तो क्या बचा 2π − 1 इज इक्वल टू 37, तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 37/2π − 1, r की वैल्यू क्या आ गई 37/2π − 1। अब चाहो तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर लो इसको, अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो r की एक इजी वैल्यू निकालने के लिए। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो मैं यहाँ कर रहा हूँ सॉल्व, तो ये देखो यहाँ कर रहा हूँ मैं सॉल्व आगे, तो r इज इक्वल टू 37, नीचे का 2 पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और −1। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ मैथ्स है, नॉर्मल मैथ्स जो हमारी हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासों से, बस वही मैथ्स लग रही है और कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट तो लग नहीं रहा। तो अब इसको नीचे डिनोमिनेटर को जब मैं सॉल्व करूँ, न्यूमरेटर तो एज इट इज 37, ये डिनोमिनेटर को सॉल्व करूँ तो यहाँ मैंने 7 ले लिया एलसीएम, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर, ये 2 × 22 = 44 है ही, और यहाँ −7 आ गया। तो इसको जब फर्दर मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ तो
37 अपॉन 44 माइनस 7 कितना होता है, 37 ही होता है। तो 37 अपॉन 7 ऊपर जाके 7 हो जाएगा, तो 37 से 37 कट जाएगा, 7 आ गया। तो आर की वैल्यू 7 आ गई। अब जैसे ही हमें आर की वैल्यू मिल गई तो अब हम अपना एरिया निकाल सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में हमारे पूछा है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू होता है एरिया का फॉर्मूला, तो लगा दो बस। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ ब्लू कलर से, पाई की वैल्यू थी 22/7 और आर हमने अभी निकाला 7 का स्क्वायर, तो 1/7 से 1/7 गया। 22 × 7 कितना होता है 154, तो यानी ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें बस ये नॉर्मल मैथ्स हम करते हुए चले और जो क्वेश्चन बोलता गया वो करते गए। नेक्स्ट देखो, चलो इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 242 मीटर। तो पेरीमीटर यानी कि सर्कल के केस में जो पेरीमीटर होता है उसको ही हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सर्कल के केस में, सर्कल जो फिगर है उस केस में जो पेरीमीटर होता है वही सर्कमफेरेंस होता है। सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर एक ही बात है इन केस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस की वैल्यू दे रखी 242 और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो 2πr की वैल्यू दे रखी 242। चलो जी आगे ये कह रहा है हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वही जैसे प्रीवियस किया अभी क्वेश्चन में। तो आर की वैल्यू चाहिए जो यहाँ से हमें मिल जाएगी, सॉल्व कर दो बस इसको। तो आर इज इक्वल टू 242 और नीचे 2π है, तो 2 और पाई की वैल्यू लिख रहा हूँ 22 अपॉन 7 है, जो ऊपर 7 चला जाएगा, ठीक है। अब इसको जैसे जैसे कटरा काटते चले जाओ, मेरे हिसाब से ये जाएगा 11 टाइम्स और आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 77/2, जो कि होता है उसको काटोगे 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 38.5 होती है आपकी आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू 77/2 लिख लो या फिर 38.5, जो मर्जी लिख लो, हमें तो एरिया निकालना है। तो एरिया निकालते हैं अब हम, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने अभी कैलकुलेट किया 77/2, तो 77/2 बस इसको सॉल्व जो कर दो वही आंसर है। तो अब करो इसको सॉल्व, ये गया 11 टाइम्स, ये भी गया 11 टाइम्स, तो 11 × 11 = 77 होता है 121 × 77/2। इसको सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका होगा, सी है वैसे इसका आंसर, चेक कर लेना आप इसको। मैंने अब आप कहोगे सर आपने कैसे इतनी तेजी से कैसे चेक किया है कि सी है। देखो ये भी मैं तुम्हें एक टेक्निक बताता हूँ सॉल्व करने की, वैदिक मैथ्स फास्ट कैलकुलेशन के लिए। देखो मैंने कैसे गैस किया, मैंने सबके लास्ट डिजिट देखे, इसका 7 है, इसका 4 है, ये तो नन है, तो 5 ही होगा, क्योंकि 1 × 7 ऐसे चेक करते हैं। फास्ट कैलकुलेशन वाली चीज़ सिखा रहा हूँ तुम्हें, 1 × 7 = 7 ही होता है, और 7/2 जब मैं सॉल्व करूंगा तो 3.5 आएगा, तो लास्ट में इसके भी 5 आएगा, तो यानी कि यही होता है। खैर ये सब चीज़ें मैं बाद में सिखाऊंगा तुम्हें फास्ट कैलकुलेशन की, अभी तुम इसको आराम से सॉल्व करके देखोगे तो यही आ जाएगा आंसर, ठीक है। सी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज सेम एज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, दैट पेरीमीटर आर इन द रेशियो ऑफ। तो देखो ये क्वेश्चन में आपको अगर ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं पता कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है सर्कल का, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ये सब नहीं पता तो कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ अ सर्कल इज सेम एज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया सेम है, उनके पेरीमीटर का रेशियो बताओ। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर ऐसी शेप होती है ना जिसमें सारी साइड इक्वल होती है, तो उसका एरिया क्या होता है, अगर सारी हर साइड के लेंथ में ए मान लूँ तो उसका एरिया होगा ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अ सर्कल ये रहा सेम है, तो इक्वल टू का साइन एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर ए साइड मान लूँ तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये हमें दे रखा है, हमें निकालना है पेरीमीटर का रेशियो। तो हमें पता है सर्कल में पेरीमीटर यानी कि सर्कमफेरेंस, यानी हमें किस चीज़ का रेशियो निकालना है, सर्कल का पेरीमीटर यानी कि 2πr, रेशियो इसका पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, सारी लेंथों का सम, यानी कि a+a+a यानी कि 4a, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई आर अपॉन 2a, ये हमें निकालना है बेसिकली पाई आर अपॉन 2a। तो इसके लिए हम पहले r की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो r की वैल्यू यहाँ से कैसे आएगी, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई पाई, यहाँ तक कोई दिक्कत, और r इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट पाई, तो r की वैल्यू हो गई a अपॉन अंडर रूट पाई। अब इसी r की वैल्यू को बस मैं यहाँ पुट कर दूंगा और यही हमारा रेशियो होगा, तो सॉल्व कर दो, पाई और r की वैल्यू मैंने पुट कर दी a अपॉन अंडर रूट पाई,
एक सेकेंड, बैटरी खत्म हो गई। वेट अ सेकेंड गाइस। हाँ काम ऑन किया मैं। तो ये है जी, हाँ जी मैं आ गया वापस। तो ये है पाई आर की वैल्यू ए अपॉन रूट पाई, नीचे लिख दिया, और नीचे टू ए तो है ही, तो एक ए से ये एक ए गया, और ये रूट पाई है और ये पाई है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट पाई इंटू रूट पाई अपॉन रूट पाई इंटू ए, तो एक रूट पाई से एक रूट पाई गया, और नीचे क्या बचेगा, ए से ए गया, तो यहाँ सिर्फ टू ए नहीं टू, तो बच गया आपका आंसर आ गया रूट पाई अपॉन टू, जो कि ऑप्शन नंबर डी, रूट पाई अपॉन टू। समझ गए कैसे किया मैंने, नॉर्मल मैथ्स चल रही है यहाँ पर। मैं भाई क्वेश्चन में बोल रखा था एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर सेम है, तो मैंने यहाँ सेम कर दिया, फिर यहाँ से मैंने आर की वैल्यू निकाल दी, और आपसे पूछ रहा था इन दोनों के पेरीमीटर का रेशियो, तो हमें पता है भाई सर्कल का पेरीमीटर यानी कि सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, और स्क्वायर का पेरीमीटर होता है चारों साइडों का सम यानी कि 4a, तो ये 4a 2πr अपॉन 4a को मैं सॉल्व करता चला, तो ये आ गया, फिर इसमें आर की वैल्यू पुट करी तो सॉल्व करा, तो रूट पाई अपॉन 2 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हुए चलो, जो जो क्वेश्चन कह रहा है वो करते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नेक्स्ट देखते हैं। चलो गाइस इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल हैविंग डायमीटर दिस एंड दिस। तो डायमीटर इतना है तो रेडियस कितना होगा, ये आर वन मान लो, दो सर्कल है ना, तो आर वन मान लो इसका आधा यानी कि 18 सेंटीमीटर डायमीटर का आधा होता है ना रेडियस, और यह आर टू मान लो तो यहाँ 20 डायमीटर है तो रेडियस हो गया 10। तो ये कह रहा है एक सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस, तो उस बड़े वाले सर्कल को मैं सर्कमफ्रेंस लिख दे रहा हूँ 2π, ये कैपिटल आर, वो इक्वल है तो इक्वल का साइन, टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ये दोनों सर्कल, तो यानी कि 2πr1, एक सेकेंड, 2πr1 प्लस 2πr2, ये है। तो ये पूछ रहा है द रेडियस ऑफ अ न्यू सर्कल, बेसिकली हमें ये r की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि r1 r2 की तो दे ही रखी है। तो इसको सॉल्व करते हुए चलो, पहले तो मैं यहाँ से 2π कॉमन ले लेता हूँ अगर राइट हैंड साइड में, तो आपका क्या बचेगा, r1 प्लस r2, और यहाँ पर 2π और कैपिटल r, तो ये 2π से ये 2π तो कट ही गया। हमें r की वैल्यू चाहिए, रेडियस ऑफ अ न्यू सर्कल पूछ रहा है ना, तो ये बड़ा वाला r की वैल्यू चाहिए, तो r की वैल्यू क्या है, r1 प्लस r2 यानी कि 18 प्लस 10, तो r की वैल्यू आ गई 18 प्लस 10 यानी कि 28, सबको सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। कुछ भी नहीं किया हमने, जो क्वेश्चन बोलता गया वो करता गया, और आपकी आर की वैल्यू आ गई, बड़े वाले आर की वैल्यू 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियस दिस एंड दिस, तो इसको r1 मान लेते हैं हम, और इसको r2 मान लेते हैं, तो इन दोनों के सम, जो एरिया का सम है वो इस वाले सर्कल का एरिया के बराबर है, तो इसको बड़ा r मान लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है इन दोनों छोटे छोटे सर्कलों का सम, तो पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, यही तो बता रखा है क्वेश्चन में। तो बस हमें क्या पूछा है, हमें डायमीटर पूछा है इसका, इस वाले सर्कल का, तो अगर हम रेडियस निकाल लेंगे तो रेडियस को डबल कर देंगे तो वही डायमीटर होता है, तो हमें बेसिकली ये बड़े वाले आर की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, फिर उसको डबल कर देंगे तो आपका डायमीटर आ जाएगा, और वही पूछा है हमसे, तो बस इसको सॉल्व करो। तो यहाँ से राइट हैंड साइड में पाई कॉमन लिया तो बचा आपका r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, और यहाँ पर पाई कैपिटल r स्क्वायर तो चल ही रहा है, तो ये पाई से ही पाई गया, तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। r1 क्या है, 24 का स्क्वायर, प्लस r2 क्या है, 7 का स्क्वायर। यहाँ तक हमने कर दिया सॉल्व, आगे चलो, तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 24 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको हज़ार बार बोला क्या, जो लोग मुझसे पढ़े हैं, कि फास्ट कैलकुलेशन के लिए आप कम से कम 1 से 30 तक के स्क्वायर याद रखो सारे, और 1 से 10 तक के क्यूब्स। अब देखो आ गया ना 24 का स्क्वायर, अब 24 का स्क्वायर अगर आपको जल्दी से पता हो तो होता है 576, मुझे तो याद है 30 तक के, आप भी याद कर लो जल्दी से, फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो। और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 576 प्लस 49, 576 प्लस 49 होता है 24 और 25, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 625। अब ये 625 क्या होता है, ये भी मुझे याद है, ये होता है 25 का स्क्वायर होता है 625, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया तो आर की वैल्यू आ गई 25, और जैसी आर की वैल्यू 25 आई, हमें तो डायमीटर निकालना है इसका,
तो इसका डायमीटर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। बोलो कोई दिक्कत? सिर्फ मैथ्स हो रही है, नॉर्मल कैलकुलेशन चल रही है और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हम। और ये फॉर्मूले पता है बस हमें कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट देखो, चलिए गाइस इस क्वेश्चन को देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होता है? जिसमें चारों साइड, स्क्वायर ऐसे होता है ना, ऐसे स्क्वायर जिसमें चारों साइड इक्वल होती है, तो सब साइड को मैं ए ए मान लेता हूँ। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मतलब सारी साइडों का सम, तो यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a। तो स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया 4a, जो बराबर है, क्वेश्चन जो जो कह रहा है वो करता हुआ चाह रहा हूँ मैं, 4a बराबर है टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो इनके एरियाज का रेशियो भी फाइंड करना है, किस किस के, स्क्वायर और सर्कल के। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर इज टू। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली हमें ये फाइंड करना है, ए स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं ए स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पर इससे आर की वैल्यू, चलो आर की वैल्यू नहीं तो मैं कैसे भी पूरा इसको सॉल्व करता हूँ। हमें बेसिकली ये सॉल्व करना है, ए स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, है ना, ये सॉल्व करना है। रेशियो तो निकालना है हमें एरियाज का। तो ये हमें पता है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है इसने कि भाई ये बराबर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस बराबर है, इक्वल है। तो अब यहाँ से हम देखो क्या फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो काट दो, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, तो क्या बना आपका? 2a इज इक्वल टू पाई आर, यहाँ तक बन गया 2a इज इक्वल टू पाई आर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ से a बाई आर ले लूँ, a बाई आर या r को नीचे भेज दूँ, तो क्या बनेगा? a बाई आर इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये हमने एक इससे ये रिजल्ट निकाल लिया कि a बाई आर बराबर है पाई बाई टू के। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना ये, और ये क्या है? ए स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसको देख रहे हो आप, ये जो मैं कर रहा हूँ ऑरेंज, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यानी कि यही तो है ए बाय आर, यानी कि क्या हुआ, ये पाई स्क्वायर बाय फोर लिख सकता हूँ ये ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जगह, तो वही लिख रहा हूँ मैं पाई स्क्वायर, और ये पाई तो है ही फोर, तो एक पाई से एक पाई गया, तो पाई बाय फोर आ गया आपका आंसर, जो कि लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। बोलो, कन्फ्यूजन हो गई मुझे लग रहा है यार, आ गया समझ भाई। देखो ना, इसमें इन्होंने बोल रखा था कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ये रहा, बराबर है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ये रहा, तो ये मैं दे रखा था, हमने सॉल्व करते हुए यहाँ तक पहुँच गए कि भाई ए बाई आर पाई बाई टू के बराबर होता है। और हमसे पूछ रहा है इनका रेशियो बताओ एरिया का, तो हमें पता है स्क्वायर का एरिया होता है जो साइड का है उसका स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, साइड हमने ए मान रखी है, और सर्कल का एरिया होता है पाई स्क्वायर। तो बस हमने इसको ऐसे सॉल्व किया, और यहाँ से जो ए स्क्वायर बाय आर था उसकी जगह हमने ए बाय आर, हमने जो रिजल्ट निकाल रखा था पाई बाई टू, उसकी वैल्यू पुट कर दी पाई स्क्वायर बाय फोर, फिर कट के हमारा मिल गया पाई बाय फोर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चलेगा इस क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 0.25 मीटर। तो एक व्हील है, उसका रेडियस है 0.25 मीटर, तो रेडियस दे रखा है 0.25 मीटर। आगे पढ़ो जी, कह रहा है हाउ मेनी रिवोल्यूशन, कितने, मतलब वो जो गाड़ी जो चलती है तो टायर आपका रिवॉल्व होता है ना, घूमता रहता है ऐसे, ये टायर घूम रहा है, तभी तो ऐसे गाड़ी आगे बढ़ती है, ऐसे टायर है ऐसे रिवोल्यूशन लेता रहता है और गाड़ी ऐसे आगे बढ़ती रहती है ना भाई, जैसे गाड़ी चलती है तो टायर कैसे आगे आगे बढ़ता है, घूम 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 के ना, तो टायर बहुत सारे रिवोल्यूशन लेता है। तो ये पूछ रहा है एक रेडियस है व्हील का 0.25 मीटर, तो वो कितने रिवोल्यूशन लेगा, कितने एन मान लो कितने रिवोल्यूशन लेगा कि वो कवर कर ले 11 किलोमीटर। पहले तो ये मीटर में रेडियस है, तो इसको भी मीटर में कर दो किलोमीटर को, तो एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 11 किलोमीटर में 11 इंटू 1000 यानी कि 11000 मीटर होते हैं। तो पहले तो ये देख लो, तो कितने रिवोल्यूशन लगेंगे 11000 मीटर को कवर करने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप सीधी बात ये करो कि यहाँ पर सर्कल की बात है, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस ले लो 2 पाई आर और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से मल्टीप्लाई करो एन, और उसको बराबर कर दो कि कितना डिस्टेंस उसको कवर करना है, यहाँ पर 11 किलोमीटर यानी कि 11000 मीटर। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, और हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन चाहिए जो कि हमने एन माना है, तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में ही, बस इसको सॉल्व करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना आपके कि भाई एक व्हील है जिसका रेडियस इतना है, तो कितने रिवोल्यूशन में वो कुछ सर्टेन किलोमीटर कवर कर लेगा, तो आप क्या करो उस सर्कल का यानी कि उस व्हील का सर्कमफ्रेंस लो और उसको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से मल्टीप्लाई करो, उसको बराबर कर दो जितने किलोमीटर है डिस्टेंस कवर करना उतना। तो बस वही मैंने किया है। तो बस अब इसको सॉल्व करके हमें एन की वैल्यू निकालना ज़्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए, तो कर दो 2 पाई की जगह 22/7, अब तो सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आर दे रखा है 0.25, इसको डेसिमल हटा के नीचे 100 लिख दिया,
और एन हमें निकालना है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में तो 11,000 है। फर्दर इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ये 25 फोर टाइम्स जाएगा, ये टू टाइम्स जाएगा और ये 11 टाइम्स जाएगा। अपनी स्पीड पर कर सकते हो, मैं अपनी स्पीड पर कर रहा हूँ, तो आपका क्या बचा 11n/7 इज इक्वल टू 11,000 इज इक्वल टू 11,000। अच्छा जी, ये 11,000 और n की वैल्यू 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1,000 × 7 यानी कि 7,000। तो यानी कि कितने रिवोल्यूशन में 11,000 किलोमीटर कवर कर लेंगे, 7,000 बार पहिया घूमेगा तब आप 11,000 किलोमीटर कवर कर लोगे। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट देखो, चलिए इस क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन कह रहा है इन मेकिंग 1,000 रिवोल्यूशन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बता दिए, तो एन की वैल्यू बता दी 1,000। अब व्हील कवर 88 किलोमीटर और टोटल डिस्टेंस भी बता दिया 88 किलोमीटर, तो इसको सब सारे ऑप्शन मीटर में है, तो 88 किलोमीटर को जो हम मीटर में करेंगे तो 1,000 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 88,000 मीटर। तो इसमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बता दिया है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एन फाइंड किया था, इसमें एन ऑलरेडी बता दिया है और इसमें टोटल डिस्टेंस भी बता दिया कितना कवर किया है 88,000 मीटर। हमसे इसमें जो पहिया है उसका डायमीटर पूछ रहा है, तो बेसिकली रेडियस पूछ रहा है, क्योंकि रेडियस का हम डबल कर देंगे तो डायमीटर आ ही जाएगा। तो वही हमारा फॉर्मूला, हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है कि सर्कमफ्रेंस ले लो सर्कल का यानी कि पहिए का, 2π r हमें निकालना है, तो r n दे दिया इन्होंने 1,000 और उसको बराबर कर दो टोटल जितना डिस्टेंस कवर किया, सर्कमफ्रेंस इंटू एन को, सर्कमफ्रेंस इंटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को, जो टोटल डिस्टेंस कवर किया उसके बराबर कर दो इस तरह के क्वेश्चन में। बस इतना याद रखो, जो भी सर्कल है यानी कि पहिया है उसके सर्कमफ्रेंस को एन से यानी कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से मल्टीप्लाई करो और उसको बराबर कर दो टोटल जितना डिस्टेंस कवर किया उसके, तो टोटल डिस्टेंस है इतना, तो 88,000। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्या आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, और एक बार आर की वैल्यू आ गई तो डायमीटर डबल करके डायमीटर निकाल ही दोगे सर्कल का यानी कि व्हील का, व्हील यानी सर्कल ही ना। तो इसको सॉल्व करो भाई, ये 3 0 से पहले तो 3 0 गए, ठीक है, और ये 22 फोर टाइम्स चला गया, और ये 2 2 टाइम्स चला गया, तो r की वैल्यू हो गई 7 उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा 14 मीटर, तो r की वैल्यू होगी 14 मीटर। अब जल्दबाजी में a मत टिक कर देना यार, डायमीटर पूछा है, ये नहीं आंसर, तो डायमीटर होता है रेडियस का डबल यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 2 28 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के क्वेश्चन में आपको चीज क्या याद करनी है कि सर्कमफ्रेंस को नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से मल्टीप्लाई करके जितना टोटल डिस्टेंस कवर हुआ, जैसे इस केस में 88 किलोमीटर था, तो उससे हमने इक्वल करके फिर जो भी पूछा हो, रेडियस पूछा हो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछा हो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर जिसका एंगल है थीटा ऑफ अ सर्कल का विथ रेडियस आर क्या होगा, तो बेसिकली तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पूछ लिया, तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर कैपिटल में है भाई, ये ध्यान रखना क्योंकि ऑप्शन ये सारे कंफ्यूज कर सकते हैं, वैसे तो सारे आर कैपिटल में ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई और रेडियस ऑफ सर्कल जो कि आर है, पाई आर स्क्वायर, थीटा जो कि जो भी एंगल होगा वो, अपॉन 360 डिग्री, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर जो कि है ऑप्शन नंबर डी, और ये आपका आंसर है। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, जैसे सर्कल है, ये सब अगर कॉन्सेप्ट आपको सीखने हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, या तो क्वेश्चन हो रहे हैं फिर भी देख लो थोड़ा सा, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये जो दो रेडियसों के बीच में ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा जो मैं ब्लू कर रहा हूँ ये होता है सेक्टर। चलो नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखो, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर एंगल थीटा ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया लेंथ ऑफ आर्क का, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए लेंथ ऑफ एन आर्क का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, 2πr जो भी सर्कल है उसका रेडियस, जो एंगल बनता है सेंटर पे वो 2πr अपॉन 2πr थीटा बाय 360, 2πr थीटा बाय, ठीक है, याद रहेगा फॉर्मूले सारे, लेंथ ऑफ आर्क 2πr थीटा बाय 360। अच्छा अगर कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले, काट के दिखा दे, 2 से 180 डिग्री होगा तो ऐसे दिखा देगा पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री, तो थोड़ा ध्यान से देना क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर 180 में भी है ना, तो ध्यान से देखना। वैसे अभी तो आंसर है आपका 2πr थीटा बाय 360 जो कि ऑप्शन नंबर
बी, ये वाला आंसर। ठीक है, ये काट के दिखा देता है कई बार, तो ध्यान से टिक करना है इस तरह के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट देखो, चलो गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर। तो अपने वॉल क्लॉक को विजुलाइज करो, उसमें जो मिनट वाली जो डंडी होती है, मिनट हैंड वाली, उसकी लेंथ बता रखी है 21 सेंटीमीटर, और वही रेडियस है। देखो ना ऐसे होती है घड़ी आपकी, ये 12, ये 6, ये 9 है ना, ये बीच। तो ऐसा होता है ना, मिनट वाली घड़ी जैसे लंबी होती है, तो ये मिनट वाली घड़ी की लेंथ दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो बेसिकली सर्कल का रेडियस बता रखा है, पूरी आगे तक होगी नहीं ऐसे, तो रेडियस बता रखा है 21 सेंटीमीटर, समझ लो। और आपसे पूछ रहा है एरिया, पूछ रहा है इस मिनट हैंड का, जब 10 मिनट ये डिस्टेंस कवर करे, मतलब 10 मिनट मतलब ऐसे लिख लेता हूँ, 1, 2, 4, 5, ये 6 तो है ही, 7, 8, 10, 11। तो 10 मिनट का मतलब यानी दो नंबर को कवर करना ना, तो यहाँ से मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ तक है ना, 10 मिनट मतलब 2 मिनट, ये दो नंबर को कवर करना, अगर 6 से 7, 7 से 8 वाला। तो मेरे को एक बात बताओ, पूरा ये सर्कल होता है उसमें कितने मिनट होते हैं? अगर ये पूरा मिनट वाला डंडी पूरा एक सराउंड ले तो कितने मिनट ले लेता है? 60 मिनट। तो जब 60 मिनट ले लेता है तो कितना उसने डिग्री कवर किया? 360 डिग्री, क्योंकि पूरा सर्कल ले लिया। तो यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट की बात कर रहे हैं, तो 10 मिनट में कितना होगा? जब 60 मिनट में 360 है तो 10 मिनट में कितने डिग्री होगा एंगल? ये एंगल बता कर रहे हैं हम। तो 60 मिनट में 360 डिग्री होता है, मतलब जब पूरा एक सर्कल ले लेता है क्लॉक का मिनट वाला हैंड, तो 360 डिग्री कवर कर लेता है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट मूवमेंट लेगा, 10 मिनट की मूवमेंट लेगा, यानी ये वाली मूवमेंट लेगा, तो कितना डिग्री कवर किया? तो बस इसको सॉल्व कर लो, 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना होगा? तो यानी कि 10 × 360/60, ये गया 6 times, तो 60 डिग्री, तो ये है आपका 60 डिग्री। तो हमें थीटा भी मिल गया, आर मिल गया 21 सेंटीमीटर, थीटा मिल गया हमें 60 डिग्री, तो आर मिल गया और थीटा मिल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है ये? लेंथ ऑफ एन, सॉरी ये पूछ रहा है हमसे एरिया, कितना एरिया इसने कवर किया। तो बेसिकली हमें एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है ये वाला, कितना एरिया कवर किया ये पूरा, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ यार, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, अभी तो हमने प्रीवियसली पढ़ा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तो हमारे पास थीटा भी है, आर भी है, वैल्यू पुट करना है आप, तो सिर्फ तो वैल्यू पुट कर दो, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21, तो स्क्वायर है तो 21 × 21, थीटा की जगह 60 डिग्री और अपॉन में 360। बस इसको सॉल्व कर दो, ये 6 times जाएगा, ये 3 times जाएगा, ये 2 times जाएगा, ये 11 times जाएगा, तो 21 × 11 कितना होता है? 21 × 11 होता है आपका 231, जो कि ऑप्शन नंबर ए। समझ आया क्वेश्चन आपको? नहीं समझ आया तो दोबारा सुनना इसको आराम से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये बाय द वे सीबीएसई में बहुत बार आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, दोबारा सुनो इसको, और अगर नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो ये बना दिया मैंने सर्कल, ये बीच में सेंटर है और इसका ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और एक कॉर्ड है वो राइट एंगल बनाती है सेंटर पे, तो मतलब ऐसे दो ये रेडियस हो गए, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो कॉर्ड आपकी ऐसे हो गई, ये वाली कॉर्ड हो गई जो ब्लू वाली है ना, ये कॉर्ड है, और कितना एंगल बना रही है सेंटर पे? राइट एंगल, यानी कि ये वाला 90 डिग्री है। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट पता है तुम्हें क्या होता है? सेगमेंट मतलब ये जो मैं ऑरेंज ऑरेंज कर रहा हूँ ना डार्क, ये छोटा, इसका एरिया पूछ रहा है आपसे। कैसे निकालोगे इसका एरिया बताओ? इसको नाम दे दो सबको, इसको ओ दे दो, इसको ए दे दो और इसको बी दे दो। तो अब बताओ ये जो ऑरेंज ऑरेंज है, ये सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है, इसका एरिया पूछ रहा है। तो इसका डायरेक्ट एरिया का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, हमें तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? ये पूरा, ये पूरा। तो क्यों ना हम इस पूरे में से, इस पूरे में से एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के, तो पूरा आ जाएगा ओ ए बी, मतलब ये पूरा पूरा है ना, ये होता है ना एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये पूरा निकाल लें पहले, ठीक है। और ये पूरा निकाल के ये जो ओ ए बी जो आपका ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको माइनस कर दें, तो ये आपका जो ऑरेंज वाला जो मैंने किया हुआ है, ये माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो बस वही करते हैं हम। तो पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, हमें बेसिकली ये करना है,
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी, ये काम कर दो आप बस, तो आपका ये सेगमेंट आ जाएगा जो ऑरेंज ऑरेंज मैंने किया है, सेक्टर यानी कि पूरा, उसमें से ऊपर ये वाला ट्राइंगल निकाल देंगे तो ये सेगमेंट आ जाएगा, क्योंकि हमें ये सेगमेंट ही चाहिए। तो बस आप वैल्यू पुट करो, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ, बेस क्या है, ये बेस है, ये तो हाइपोटेन्यूस होगी, ए बी लेंथ, तो दोनों ये सेम है, तो बेस कितना है 10 और हाइट भी कितनी है 10, तो बस इसको सॉल्व करो आप, आपका आंसर आ जाएगा माइनस सेगमेंट का, इसको सॉल्व कर दो। आर की वैल्यू क्या है 10, थीटा की वैल्यू क्या है दे रखा है, राइट एंगल है तो 90, तो हमें थीटा भी पता है 90 डिग्री, आर भी पता है 10 डिग्री, वैल्यू पुट करो बस, अब तो सिर्फ कर दोगे वाला सॉल्व, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दोगे इसका, थीटा 90 डिग्री डालो, आर 10 डालो, इसमें वैल्यू पुट करो, ये सॉल्व करो, इनमें से कोई आंसर आपका होगा, ठीक है, पेन चलाओ थोड़ा सा, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए गाइस इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो सर्कल में रेडियस बता रखा है 21 सेंटीमीटर है, एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू बता रखी है 60 डिग्री, लेंथ ऑफ एन आर्क पूछा है, तो लेंथ ऑफ एन आर्क का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री, ये होता है फॉर्मूला, तो मेरे पास आर भी है थीटा भी है, वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं सब, तो 2 पाई की जगह 22 बाय 7, आर की जगह 21, थीटा की जगह 60, अपॉन में 360 डिग्री है तो 360, बस सॉल्व कर दो इसको, ये 6 टाइम्स आएगा, ये 3 टाइम्स आएगा, ये 7 टाइम्स आएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये थे कुछ आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर के, ये देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका रिविजन होगा, दूसरा आपको एमसीक्यू कैसे अप्रोच करते हैं वो समझ आएगा, ठीक है। तो एक बार में समझना है तो दो बार देखो, एग्जाम देने से पहले पक्का रिवाइज करके जाओ इसको, इस वीडियो को, इसी वीडियो को नहीं, जितनी भी सीरीज बना रहा हूँ उसको देखना जरूरी है एमसीक्यू रिलेटेड, और उससे पहले अगर एमसीक्यू से पहले कॉन्सेप्ट वगैरह सीखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आराम से सीख लेना, ठीक है। तो टेंशन वेंशन मत लो, कुछ पूछना हो तो पूछ लिया करो बिंदास, बिना हेजिटेशन के, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।